नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। साल की शुरुआत में आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। आपका वक्त शुभ बना हुआ है, शुभ वक्त में ग्रह थोड़ी सी आपको दिक्कत दे रहे हैं। इस दिक्कत को मैं आपको जल्दी से समझा दूंगा, बता दूंगा, ताकि आप इन दिक्कतों से बच के अपने शुभ समय का पूरा आनंद लेते रहें। साल की शुरुआत में आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा, क्योंकि मंगल और केतु का अंगारक दोष, काल सर्प दोष 4 और 5 तारीख को बन रहा है और चंद्रमा और शनि का विष दोष बन रहा है, तो थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। जब ये 3 अशुभ योग बन रहे हैं तो आप थोड़ा सा पीड़ित हो सकते हैं इससे, तो सावधानी के साथ साथ उपाय की भी आवश्यकता होगी। आपकी राशि के लिए यह योग अलग अलग घरों में बनेगा, उसकी हम चर्चा करेंगे आपकी राशि के अनुसार, और उपाय भी वीडियो में हम साथ ही साथ बताएंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा, बीच बीच में ही उपाय होंगे। तो क्या सावधानी रखनी होगी, क्या तरीका अपनाना होगा, कैसे इन 3 अशुभ योगों के अशुभ प्रभावों से बचकर अपने शुभ समय को शुभ बनाकर रखना होगा, आइए इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। और ये 2 दिन कैसे बेहतर रहें, कैसे हमें कोई दिक्कत ना हो, इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। जनवरी की शुरुआत आपकी अच्छी हुई है, तो इन 4 और 5 तारीख को थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि देखिए जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे सभी दिन बराबर नहीं होते। किसी दिन बहुत अच्छा, किसी दिन बहुत खराब, किसी दिन थोड़ा अच्छा, किसी दिन थोड़ा खराब। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुभारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार फिर आपको रिपीट करना चाहूँगा, पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि मैं उपाय भी बीच बीच में ही बताऊँगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ बचने की आवश्यकता है। वक्त आपका शुभ बना हुआ है, शुरुआत करते हैं। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। ध्यान से देखिए, ये गोचर कुंडली आपके समक्ष है। केतु और मंगल जो हैं ये बैठे हुए हैं 6ठे भाव में, और 8ठम भाव में शनि और चंद्र हैं, और 12वें भाव में राहु हैं। तो काल सर्प दोष कहाँ से कहाँ बना, 12वें और 6ठे के बीच में, या 6ठे या 12वें के बीच में। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह वक्त कैसा होगा, ये 2 दिन सावधानी तो आपको रखनी ही होगी। राहु 12वें भाव में है, केतु 6ठे भाव में है, तो आपके स्वास्थ्य को लेकर आपको समस्याएं हो सकती हैं, सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा। पैरों में तकलीफ हो सकती है, कमर का दर्द बढ़ सकता है, नज़र की समस्याएं हो सकती हैं, यानी आंखों में समस्याएं हो सकती हैं। धन आएगा परंतु जुड़ेगा नहीं, बिना कारण लोग आपसे दुश्मनी मोल ले लेंगे, चिंताओं के कारण आप रात में सो नहीं पाएंगे, आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो कुछ किया नहीं फिर भी क्यों लोग मेरे पीछे पड़े हैं। धन आगमन होगा, यहाँ पैसों की कोई कमी नहीं है, कहीं से भी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उसके अलावा और दुश्मनियाँ आपकी पैदा हो जाएंगी, मानसिक चिंताएं हो जाएंगी, चोरी इत्यादि हो सकती है, झूठे आरोप लग सकते हैं, गाड़ी का खराब हो जाना, खर्चे बढ़ जाना, काम करने से पहले ही आपका मन ना लगे काम करने में, ऐसा हो सकता है, या आपको कोई सही सलाह ना दे, आपको सही कोई आवश्यक सूचना बाद में मिले और जब तक आपको काम के लिए निकल चुके हों, तो ये सब चीज़ें आपके साथ होगा। काम करने से पहले ही कोई हानि हो जाए आपकी, अभी आपने काम शुरू नहीं किया और हानि हो गई और आप पे आरोप लग गया, कोर्ट कचहरी के कोई मामले हैं या अस्पताल से जुड़ा हुआ कोई मामला है, तो सेहत से जुड़ा हुआ मामला है तो वहाँ चक्कर लग सकते हैं, कोई छोटी सी बात निकले लेकिन बस पैसे खर्च हो गए। तंत्र मंत्र वाले जो लोग होते हैं, जो शत्रु लोग होते हैं, उनसे आपको बचना चाहिए। मेहनत के मुताबिक आपको जब रिजल्ट नहीं मिले, सफलता नहीं प्राप्त हो, तो समझ लीजिए आपका ये जो काल सर्प दोष है, विष दोष है और अंगारक दोष है, ये ताकतवर हो चुका है। तो थोड़ा सा आपको जो मैं उपाय बताऊंगा वो कर लीजिएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बेवजह किसी के वाद विवाद में ना फंसें, झगड़ा नहीं करें, बेवजह इन दिनों में किसी से पैसा उधार ना लें, किसी की गाड़ी, किसी का वाहन, किसी की कोई भी चीज़ उधार ना लें। भगवान हनुमान की आराधना करने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। आपके मन में हमेशा दुख और थोड़ा सा चिंता रहेगी कि मैंने
ऐसा क्या कर दिया जो लोग मेरे दुश्मन हो गए या लोग मुझे जलीकटी सुना रहे हैं। वैवाहिक जीवन में तकलीफ हो सकती है, जीवन साथी की सेहत पर ध्यान देना होगा क्योंकि ये अशुभ दोनों योग हैं। देखिए एक बार फिर से आप कुंडली देखिए, फिर से एक बार गौर से कुंडली देखिए। एक योग बन रहा है केतु और मंगल का अंगारक दोष छठे भाव में, दूसरा बन रहा है शनि और चंद्रमा का विष दोष आपका अष्टम भाव में। बीच में कौन सा भाव आ गया इन दोनों के, इन दोनों के बीच में भाव आ गया सप्तम भाव। तो यहाँ पर सप्तम भाव वैवाहिक जीवन है, साझेदारी है, तो यहाँ पर तकलीफ हो सकती है जीवन साथी से संबंधित, मित्रता से संबंधित, या वैवाहिक सुखों से संबंधित, या जिनकी शादी तय हुए होने वाली हो या कोई रिश्ता उश्ता देख रहे हो तो वहाँ पर कोई तकलीफ हो सकती है। शादी से संबंधित कोई मामला है तो वो विवादित हो सकता है, या पहले से चल रहा है तो थोड़ी और तकलीफ बढ़ सकती है। अब केतु और मंगल जो है छठे भाव में तो पंचम के बगल में है, तो पंचम के बगल में होने से थोड़ी सी संतान का भी आप ध्यान रखिएगा। और इधर से अष्टम भाव नवम के बगल में है तो कहीं ना कहीं भाग्य भी थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये कुंडली को आप समझते जाइएगा बिल्कुल ढंग से, क्योंकि हम जो भी बात करते हैं वो कुंडली के आधार पर करते हैं। हाँ, इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके नजदीक है तो थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। व्यापारिक पार्टनरशिप में तनाव संभव है, शत्रुओं द्वारा हानि पहुंच सकती है, छोटी छोटी असफलता आपको निराशा दे सकती है, माता पिता से तनाव संभव है, आपका चरित्र दूषित हो सकता है, यानी आप चरित्र से हल्के हो सकते हैं, मतलबी और झूठे आरोप आप पे लग सकते हैं, मतलबी इंसान हो सकते हैं। अष्टम भाव में शनि चंद्र की युति आपको आयु में तकलीफ देती है, यानी कि शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, आपकी परेशानियां सेहत को लेकर बहुत बढ़ सकती हैं, शिक्षा में परेशानी, संतान के जन्म होने में परेशानी हो सकती है। आप इन दिनों में थोड़ा सा सावधान रहें। अब पूरी स्थिति में कहीं पर मैंने ये नाम नहीं लिया कि आपकी नौकरी में तकलीफ है, व्यापार में तकलीफ है, हाँ व्यापारिक पार्टनरशिप में थोड़ी सी तकलीफ है, लेकिन आप घर गृहस्थी और अपनी परेशानियों में इतनी उलझे रहेंगे कि वहां पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो विदेश से हानि हो सकती है, विदेश संबंधी कोई ठगी हो सकती है आपके हाथों, या आप ठग लिए जाएं या आप किसी को ठग लें। सरकारी कामों में सतर्क रहिएगा। आप वैवाहिक जीवन में विश्वासघात कर सकते हैं, कोई अपना दूसरा चक्करबाजी हो सकती है, प्रेम संबंधों में भी ऐसा हो सकता है, एकांत में जा सकते हैं, थोड़ा सा सीरियस हो सकते हैं, माता को कष्ट हो सकता है, तो जल्दी जल्दी नजर लग सकती है आपको। रात्रि में दूध बिल्कुल भी ना पिए, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, और अपने क्या कहते हैं जीवन साथी से बहुत अच्छे संबंध बना के रखिएगा। सफ़ेद चीज़ों का दान मत करिएगा, दूध और क्या कहते हैं दूध और चावल वगैरह का दान इस समय में बिल्कुल भी मत करिएगा। रात्रि में दूध वगैरह आपको बिल्कुल नहीं पीना है, दूध तो बिल्कुल नहीं पीना है, और खासकर कई लोग दूध और बादाम या मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं, जैसे बादाम और ड्राई फ्रूट डालते हैं, च्यवनप्राश खाते हैं, दूध के साथ इनका सेवन बहुत नुकसानदायक होगा। और जुआ, लॉटरी, सट्टा, इन सब में किस्मत मत आजमाइएगा, नुकसान हो सकता है। जीवन साथी से संबंध ना बिगाड़ें, जीवन साथी प्रेमी प्रेमिका से मतभेद पैदा हैं तो उनको दूर करें, दूसरे की बढ़ती धन संपदा को देख के ईर्ष्या ना करें, और दूध का और सफ़ेद चीज़ों का दान ना करें, मांस मदिरा से बचें, माता पिता की सेवा करें, केसर का टीका माथे पर लगाएं और हनुमान चालीसा नित्य पढ़ते रहें। संभव हो तो चांदी का 4 ग्राम का एक स्क्वायर टुकड़ा जिसके चारों कोने नुकीले हों अपने पास रख लें तो राहत मिल जाएगी। बाकी कोई बड़ी समस्या है और जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अगर बिगड़ी हुई है तो संपर्क आप जरूर करिएगा, वरना 2 दिन कहीं ना कहीं तकलीफ दे हो सकते हैं। अब जो लोग डर रहे हैं वो डरते रहें, जो लोग सावधानी से आगे निकाल लेंगे वो लोग निकल जाएंगे। अब आप ये मत कहिएगा कि आपने बताया था कि 2022 बहुत अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा ही होता चला जाएगा, बीच बीच में तकलीफें भी आएंगी तो उनको बताना भी हमारा ही फर्ज है। तो उपाय भी बता दिए और सावधान भी कर दिया तो निश्चिंत हो जाइए, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। अगर कोई बहुत दिक्कत आए तो आप संपर्क कर सकते हैं। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, उपाय करिए, आगे बढ़िए, ये 2 दिन कट जाएंगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे जब फिर दिक्कतें आएंगी तो फिर बताएंगे, जब और अच्छे दिन आएंगे तो वो भी बताएंगे। तो हमारा काम है अच्छा भी बताना, बुरा भी बताना, ताकि आपके जीवन में हमेशा सुख बना रहे। तो नौकरी व्यापार में ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, अपने घर गृहस्थी को संभालिएगा, सब कुछ ठीक रहेगा। हरिओम, नमस्कार।